हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में आपको दो प्रोसेसर को कंपेयर कर बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन सा बेटर परफॉर्मेंस देगा। एक है स्नैपड्रैगन 460, जिसको जो है वो कंपेयर करने वाला हूँ सैमसंग एक्सिनॉस 850 के साथ। सो एक जो है वो स्नैपड्रैगन 460 है और दूसरा है एक्सिनॉस 850। सो गाइज, इन दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, एक्सिनॉस 850 एंड स्नैपड्रैगन 460 में जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। तो सबसे पहले जो है वो आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें आपको जो जीपीयू मिलता है एक्सिनॉस 850 में वो है कॉर्टेक्स A55, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 460 में जो आपको जीपीयू मिलता है वो आपको क्रायो 240 गोल्ड और क्रायो 240 सिल्वर मिलता है, और दोनों ही जो है वो 8 कोर पे बेस्ड है। दोनों ही में आपको 8 कोर्स देखने को मिल जाएंगे। जो साइज़ है आपको वो साइज़ मिलता है एक्सिनॉस 850 में 8 nm का जो है वो आपको साइज़ मिलता है, आर्किटेक्चर उसका है, जो है वो मिल जाता है। और स्नैपड्रैगन 460 का जो साइज़ है वो 11 nm पे बेस्ड है। जो एक्सिनॉस 850 है उसमें आपको जो जीपीयू मिलता है वो आपको माली G52 MP1 जो है वो आपको जीपीयू मिलता है, जिसका जीपीयू फ्रीक्वेंसी है 820 MHz। और वहीं आपको स्नैपड्रैगन 460 में जो आपको जीपीयू मिलता है वो आपको एड्रीनो 610 जो है वो आपको जीपीयू मिलता है, जिसका फ्रीक्वेंसी है 600 MHz। सो गाइज, अब बात करते हैं कि इन दोनों में अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन किया जाए तो कितना डिफरेंसेस मिलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीयू परफॉर्मेंस में, आप देख सकते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस में, आप देख सकते हैं एक्सिनॉस 850 एंड स्नैपड्रैगन 460 में। बैटरी लाइफ आप देख सकते हैं इन दोनों प्रोसेसर का। नैनो रिव्यू स्कोर आप देख सकते हैं। इंटूटिव स्कोर आप इन दोनों प्रोसेसर का देख सकते हैं। गीकबेंच आप इन दोनों प्रोसेसर का देख सकते हैं। सो गाइज, इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो एक्सिनॉस 850 जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रही है स्नैपड्रैगन 460 से। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे जब एक सब्सक्राइबर ने कमेंट कर बोला था इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करने के लिए। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।